मैं शामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें कि रीदा रशीद की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दलित समाज के लोग और ये एक तरह से एनसीपी के कार्यकर्ता भी हैं और रीदा रशीद की गिरफ्तारी की मांग को लेकर 24 घंटे से ज्यादा समय से आमरण उपोषण पर जो है यहाँ पर प्रवीण पवार बैठे हुए, साथ में इनके 2 से 3 लोग और हैं जो आमरण उपोषण पर हैं। लेकिन जो 24 घंटे से ज्यादा समय हो गया, आज दूसरा दिन यहाँ पर ये जो है आंदोलन उपोषण जो है जारी है और सैयद अली अशरफ भाई साहब भी आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले प्रवीण पवार जो है, जो आज दूसरा दिन है, उनसे बात करेंगे कि उनकी जो है तबीयत कैसी है। प्रवीण भाई, पहले आप बताइए आपकी तबीयत कैसी है? संघर्ष करने बैठे हैं तो तबीयत के ध्यान देना ही नहीं पड़ेगा। फिलहाल तो सर दर्द वगैरह सब चीजें चालू हो गई है, तबीयत थोड़ा मतलब वीकनेस हो रहा है, पर संविधान को बचाने के लिए लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। बाबा साहब ने कहा है, पढ़ो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो अभी संघर्ष करने का समय आ गया, तो हम संघर्ष में उतरे। जब तक आरोपी को अरेस्ट नहीं होता है तब तक हमारा संघर्ष उपोषण चालू ही रहेगा। अच्छा, रात में सीनियर पीआई भी आए थे और डॉक्टर ने आपको चेक भी किया था, तो डॉक्टर ने क्या बताया और सीनियर पीआई ने भी क्या कहा? सीनियर पीआई साहब कड़लक साहब आए थे, उनसे बात हुई तो मैंने उनको पूछा कड़लक साहब हमको न्याय मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, तो कड़लक साहब का कोई साफ जवाब हमको नहीं मिला। और डॉक्टर साहब ने मुझे चेक किया, बीपी थोड़ा कम बता रहा था और शुगर लेवल भी थोड़ा कम बता रहा था। डॉक्टर साहब ने पूछा कि सर में बहुत ज्यादा दर्द है तो आप दवाई खा लीजिए, मतलब आप आरोपी को अरेस्ट करवा दीजिए, हम दवाई भी खा लेंगे। भाई साहब, जिस तरह से इनका कहना है कि जब तक आरोपी अरेस्ट नहीं होती है तब तक ये अपना आमरण उपोषण जो है वो खत्म नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। वो बैठा इसीलिए है, अगर उसके ऊपर कुछ भी ऐसा हादसा हुआ जैसा उसका बीपी बढ़ रहा है, उसके सर में दर्द हो रही है, अगर उसकी जान के ऊपर कुछ आया तो ये गुना मुमरा पुलिस स्टेशन पे दर्ज होगा। इसलिए मुमरा पुलिस स्टेशन से निवेदन है कि आप होश में आ जाओ और आप जो है न्याय करो। एट्रोसिटी का गुना जब दाखिल हो चुका है तो आरोपी को पकड़ने के लिए क्या क्यों इतने शहर के लोगों को चिढ़ा रहे हो? जनप्रतिनिधि यहाँ पे नगर सेवक है, नगर सेविका है, शहर के इज्जतदार लोग है, काफी तादाद में मुस्लिम समाज है, तो आपको चाहिए कि आप अरेस्ट करो और न्याय दो। पुलिस का ऐसा कहना है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और आगे जो कार्रवाई रहेगी वो करेंगे। कितना 24 घंटा हो गया ना इन्वेस्टिगेशन का, 24 घंटा हो गया तो अब इसमें तो मालूम पड़ गया होगा ना कि गलत क्या है और सही क्या है। या तो फिर आपके कोई बड़े अधिकारी डीसीपी रैंक का, एसीपी रैंक का आए यहाँ पे बात करे उनसे कि भाई हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हम आपको 48 घंटा देते, 40 घंटा देते, उसके अंदर करें। तो उस पर भी कोई बात नहीं कर रहा है, मेडिकल उसको फैसिलिटीज नहीं दी जा रही। कल की रात का चेक है, आज दिन बताया टेम्परेचर क्या है, कल के दिन इसके ऊपर हुआ तो ये मेरा ऐसा आरोप है कि पुलिस के ऊपर न यहाँ पे कोई पुलिस व्यवस्था खड़ी है, यहाँ इतना सब औरत आदमी नौजवान लड़के खड़े, कोई सड़क पे चलता हुआ कोई पत्थर मार दे, कुछ तरीके का उग्र कुछ प्रॉब्लम हो जाए, यहाँ पे बंदोबस्त देना चाहिए। मैं सीपी साहब से निवेदन करता हूँ कि आप बंदोबस्त दीजिए, वरना अगर यहाँ पे हादसा हुआ तो जिम्मेदारी आपकी। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि एनसीपी वर्सेस बीजेपी की ये लड़ाई है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें दलित समाज को जोड़कर जो है ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ऐसा कैसा होता है? क्या बीजेपी के अंदर दलित समाज नहीं है क्या? क्या शिवसेना में दलित समाज नहीं है क्या? क्या मुख्यमंत्री शिंदे साहब के गट में दलित नेता नहीं है क्या? तो यहाँ पे राष्ट्रवादी का दलित नेता है, उसको एट्रोसिटी दाखिल की गई है, तो उसको राष्ट्रवादी से क्यों जोड़ के देखा जा रहा है? राष्ट्रवादी इसलिए इसके पीछे क्योंकि राष्ट्रवादी का कार्यकर्ता है। अब एक बात बताइए, अवार्ड साहब को अरेस्ट किया गया पुलिस स्टेशन में, रात भर अरेस्ट रखे, सवेरे कोर्ट में पेश कर दिए, कौन सा गुना किया था, कितना बड़ा गुना किया था कि जरूरी था पुलिस स्टेशन में अरेस्ट, हाउस अरेस्ट दे देते थे, हो सकता था ना। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी चिढ़ है कि उनके खिलाफ कोई बोलना नहीं चाहिए, इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाना चाहिए। सेंट्रल से लेके स्टेट से लेके पूरे देश के अंदर यही माहौल पैदा कर दिया गया, डर का माहौल। मुंब्रा शहर के कुछ लोग सोशल मीडिया में ये भी लिख रहे हैं कि फर्जी एफआईआर दर्ज होती थी,
आज जो है एनसीपी पार्टी के ही लोगों पर फर्जी एफआईआर कहे या फिर एफआईआर सही है कहे जो भी लोग पोस्ट कर रहे हैं, तो आप लोग विरोध कर रहे हैं, जब दूसरे पर होती थी तो आप लोग क्यों नहीं आते? देखिए ऐसा है कि सोशल मीडिया है, उसका नाम ही सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पे कोई भी अपने दिल की राय रख सकता है, बोल सकता है, कह सकता है, उसके लिए कोई उसको रोकता नहीं है। ये कहा जा रहा है कि पुलिस स्टेशन में जो है एफआईआर दर्ज होती थी, आज उसी पुलिस स्टेशन में आप लोगों पर एफआईआर दर्ज होगी। ठीक है, वो हो गई, क्या करेंगे उसके लिए, हो गई। उनको न्याय नहीं देना है, हमको लड़ना है, हम लड़ रहे हैं। सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे कोई भी आदमी इतनी बात रख सकता है, उसको नहीं पसंद आएगा तो मुझे बुरा बोलेगा, दैट्स ऑल, उसके लिए क्या कर सकते हैं। अगर जैसे उपोषण जारी है और अगर नहीं होता है आगे, तो आपका प्रोसेस आगे और क्या रहेगा? डरने पे लड़ेंगे, जितेंद्र अवार्ड साहब जैसा बताएंगे वैसा करेंगे। अभी मैं आज आया हूँ, अभी मैं कल मेरी अवार्ड साहब से मुलाकात है, तो आगे की क्या रणनीति है, बातचीत होगी, चर्चा होगी, ये लोग से भी चर्चा होगी। अभी मेरी किसी से चर्चा कुछ नहीं हुई, सीधा मैं आया हूँ तो आगे बढ़ेगा। तो आपने सुना कि जिस तरह से यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, तरह से अमरण उपोषण कहेंगे कि यहाँ पर बैठकर किया जा रहा है, लेकिन इनकी साफ मांग है कि रीदा रशीद को जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाता है उसके तब तक जो है इनका अमरण उपोषण जो है वो जारी रहेगा। कैमरामैन नीलेश कलोजिया के साथ इस्लामुद्दीन खान प्रहार टाइम्स मुंबई।